तूने सुना ना? वो सब मुझे चाहिए, तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो फाइनली दोस्तों, इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार और बॉक्स ऑफिस के किंग यानी कि डार्लिंग प्रभास की फिल्म सलार को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने में 16 दिनों का समय बाकी है। जी हाँ दोस्तों, 16 दिनों बाद बॉक्स ऑफिस पर सलार फिल्म दस्तक देने जा रही है। तो दोस्तों बात करेंगे सलार फिल्म की अब तक की टोटल एडस बुकिंग के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों इस फिल्म ने USA और टोटल अदर कंट्रीज में कितने करोड़ की एडस बुकिंग कलेक्शन में कमाई की है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों बात करें सबसे पहले सलार फिल्म के बजट के बारे में, तो इस फिल्म का जो बजट है और 400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, और इस फिल्म को 22 दिसंबर यानी कि क्रिसमस के वीकेंड पर इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रशांत नील ने, जो कि दोस्तों इससे पहले KGF 1 और KGF Chapter 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं। और इस फिल्म के लीड रोल में आपको प्रभास, रोतेशन, जगपति बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे बेहतरीन एक्टर इस फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे। और इस फिल्म को तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और इंग्लिश में भी इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। और दोस्तों बात करें सलार फिल्म के एडस बुकिंग के बारे में, तो इस फिल्म ने अपने शुरुआती पहले दिन के एडस बुकिंग कलेक्शन भी सिर्फ USA में 4,35,000 डॉलर यानी कि दोस्तों इंडियन रुपीज में 3,60,00,000 रुपए का कलेक्शन कर लिया है। और बात करें इस फिल्म के अदर कंट्रीज के एडस बुकिंग के बारे में, तो इस फिल्म ने अदर कंट्रीज से 3,75,000 डॉलर यानी कि इंडियन रुपीज में 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। यानी कि इस फिल्म ने अपने शुरुआती पहले दिन के एडस बुकिंग कलेक्शन में टोटल ओवरसीज से 8,10,000 डॉलर यानी कि इंडियन रुपीज में 6,60,00,000 रुपए का कलेक्शन कर लिया है। और बात करें सलार के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में, तो दोस्तों सलार अपने शुरुआती पहले ही दिन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 180 से 200 करोड़ रुपए के बल्बेट ओपनिंग ले सकती है। और इस फिल्म को अच्छे रिव्यू मिलते तो फिल्म अपने लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 1,000 से 1,500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, फिल्म अपने लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 1,500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करके जवान, पठान, RRR और KGF 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? फिर हमें कमेंट करके जरूर बताए। और दोस्तों आप सलार फिल्म के डेली एडस बुकिंग कलेक्शन की वीडियो और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपके अपने चैनल RM बॉक्स ऑफिस को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।